हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीक्षा। तो आज हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी बाय बस। यहाँ पे भैया हमें छोड़ने जा रहे थे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट मजनू के टीला से हमें बस मिली थी, स्लीपर बस, और हमें यहाँ पे भैया छोड़ के वापस जा चुके थे। या और ये थी हमारी बस स्लीपर, जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। हमारे साथ बुआ, दीदी, जीजू और फूफा लोग, मम्मी, छोटा भाई, ये सब हम ट्रैवल कर रहे थे। हमने कश्मीरी गेट से बस ले ली थी मजनू के टीला से, और हमें आगे कश्मीरी गेट बाईपास से दीदी, जीजू और बुआ लोगों ने ज्वाइन किया था साथ में। और यहाँ पे ये देखिए काना आ चुका है, और काना बता रहा है हम किस लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं। और यहाँ इन सब की गप्पे शप्पे बातें स्टार्ट हो गई थी। बहुत मज़ा आ रहा था साथ में ट्रैवल करके। और स्लीपर बस में फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, वो भी काफ़ी प्रीमियम सी, बहुत अच्छी थी, और इसमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे ये रात में बस के बाहर का व्यू था, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, क्योंकि वैसे ट्रैफिक वगैरह नहीं था। और इसके बाद हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, तो एक दो कचौड़ियाँ हम लोगों ने खा ली थी। मम्मी दाल की कचौड़ियाँ बना के लाई थी रास्ते के लिए, क्योंकि 5-6 बजे हम बैठ गए थे बस में, तो उसके बाद अभी 7 या 8 बजे थे, थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो सबने एक दो कचौड़ियाँ खाई थी। और ये हमारी बस में दूसरा ग्रुप जा रहा था, तो डांस करते हुए, गाने गाते हुए, इन्जॉय करते जाते हुए मम्मी और बुआ उन्हीं को देख रही थी। काना को दबा के लेटू, मैं ये ठंडा ना जाए। आ जाओ बेटो। और ये हमारा फर्स्ट रेस्ट पॉइंट था यहाँ पे, रूम्स रेस्टोरेंट करके कोई रेस्ट पॉइंट पे इन्होंने बस रोकी थी, और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, फिर प्रॉपर तरीके से डिनर किया। यहाँ पे खाने के लिए हमने दाल सब्जी और रोटी, पनीर की सब्जी और रोटी मंगाई थी, जिसकी क्लिप लेना मैं भूल गई। और ये हम सब की क्लिप है, जो हम खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। खाना को बहुत मज़े आ रहे थे, और हम सबको भी बहुत मज़े आ रहे थे। और वैसे भी ये तो शुरुआत थी, आगे तो और मज़े आने वाले हैं, क्योंकि माता रानी का बुलावा है, माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो मज़े तो आएंगे। और यहाँ पे मिट्ठू के साथ खेल रहे थे हम, मिट्ठू को राधे राधे करवा रहे थे, तो मिट्ठू वही कर रही थी। खाना खाने के बाद यहीं पे हम थोड़ा सा घूमे, और यहीं पे एक ये सोफ़ा स्विंग था, जिसमें हमने फ़ोटोज़ ली बैठ के, और खाना और मैंने थोड़ा सा झूल लिए थे हम इस पे बैठ के। ये सेकंड पॉइंट था हमारा, जहाँ पे रिफिलिंग के लिए बस रुकी थी। और ये मॉर्निंग, प्यारी सी नींद लेने के बाद हम सब उठ गए थे, और हमारी आँख खुली थी जम्मू में। जम्मू में हमने एंटर कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे खाना भी उठ चुका था, खाना और मैं बैठ के व्यू देख रहे थे बाहर का। और ये है हमारी मॉर्निंग फेसेस, खाना और मेरे। है बाहर का व्यू, इतना प्यारा सा हिल सी हिल साइड में। इसके लिए ही मैं बेस्ट पार्ट जो मुझे ट्रैवलिंग का लगता है, वो मुझे व्यूज़ देखना लगता है। जो बाहर का व्यू होता है बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे है चिनाब नदी, चिनाब रिवर आ गई थी, चिनाब रिवर का मैंने व्यू लिया। काना यहाँ पे सो गया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा वॉमिट जैसा फील हो गया था, तो मैंने कहा था तो सो जाओ। और ये मैंने मंकीज़ की वीडियो बनाई थी काना के लिए, क्योंकि काना सो गया था तो वो देख नहीं पाया था, तो ये क्लिप मैंने उसके लिए बनाई थी। मैंने सोचा इसमें भी ऐड कर दूँ। सारे मंकीज़ खेल रहे थे इधर से उधर, और कार पे कूद रहे थे, उछल रहे थे। यहाँ हम पहुँच चुके हैं कटरा बस स्टैंड, तो यहाँ पे हमने ग्रुप पिक ली बस उतरने के बाद। और इसके बाद हम चल पड़े थे अपने होटल की तरफ, जहाँ पे हमने स्टे करना था। ये बैग लेके थोड़ा सा आगे तक गए, या आगे तक जाने के बाद हमने वहाँ से ऑटो किया। ऑटो लेके सबसे पहले हमने सबने अपना यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, और हम सबको ये आईडीज़ मिल गई थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम अपने होटल रूम्स पे भी पहुँच गए थे। यहाँ पे सबने थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स किया, और नहाने धोने के बाद हमें थोड़ा सा रिलैक्स करके रेडी होने के बाद निकलना था माता रानी के दर्शन के लिए। तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले हम सब ने अपनी अपनी चाय की मॉर्निंग की। और यहाँ दीदी हमारी होने वाली भाभी से फोन करके मजे ले रही थी। मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, बस करो। चाय वाला टोपी ले आयो, और हम सब हो गए रेडी। दिखा
काना दिखाओ अपना ड्रेस। मिट्टू 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 बाबू हम भूल गए कहाँ जाना है। हम अब जा रहे हैं। अरे बुआ माता रानी के पास खड़े हो अच्छी तरह। ये है हमारा आईकार्ड सिरप ये माता के पास सिरप माता बैठने वाली माता। मिट्टू आप कहाँ जा रही हो? माता के पास। और हम सब रेडी हो गए हैं। और हम सब रेडी हो गए हैं। हमने सब अपना आईकार्ड भी पहन लिया है। दिखा दो अपना अपना आईकार्ड सारे। ये रहा अभी कुछ पार्ट मिसिंग है। अभी कुछ लोग मिसिंग है। और यहाँ पे हम सब रेडी होके निकल गए थे। बस स्टैंड से हमने ऑटो ले लिया था माता रानी की चढ़ाई के लिए। अब हम जा रहे थे। एक ऑटो में दीदी फूफा और काका बैठे थे और दूसरे ऑटो में दोनों बुआ जीजू और मम्मी बैठे थे आगे वाले ऑटो में। और यहाँ पे हम सब थे। और ये था बाहर का सुंदर सा व्यू जो नीचे से ही माता रानी के भवन दिखने लगता है। और इसी के हमें चढ़ाई करके माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना है। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी। इसके बाद हम आगे चढ़ाई के लिए, उससे पहले हमें मिट्टू का मुंडन करवाना था बाणगंगा पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमने फ़ोटोशूट करवा लिया था मिट्टू का, क्योंकि अभी बाल थे तो उसमें फ़ोटो उसकी अच्छी आएंगी। इसलिए हमने पहले उसकी फ़ोटो क्लिक्स करवा ली थी। फिर आगे बाणगंगा पे पहुँच के हमने उसका मुंडन करवाया था। और यहाँ पे हम बाणगंगा पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अब हम मिट्टू का मुंडन करवाएंगे। मेन हम इसीलिए आए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मिट्टू का हमें मुंडन करवाना था। तो और ये है बाणगंगा। बाणगंगा में अब पहले की तरह पानी नहीं रहा, पहले काफ़ी पानी रहता था। और ये मेरा 5th या 6th टाइम था मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए आई थी। तो इससे पहले जब हम आते थे तो यहाँ पे पानी बहुत रहता था, अब इतना पानी नहीं रह गया है बाणगंगा में। और यहाँ पे मिट्टू का मुंडन शुरू हो गया था। मिट्टू प्यार से खेल रही थी, मतलब उसको आगे कान्हा और जीजू खिला रहे थे ताकि वो हिलाए ना सर को अपने, और उसका मुंडन यहाँ पे कर रहे थे। काना आप इधर हो ना, आप देखो मेरी तरफ, उधर होके थोड़ा सा खुला करके डालो। वो तो कह रहे थे बंद करके डालना। लग रहा होगा वो और यहाँ पे अभी जो आपने देखा वो मुंडन होने के बाद हमारे यहाँ सर पे सत्या बनाया जाता, तो मैं बस वही बना रही थी। और वो सारे काम करने के बाद हम सारे चल दिए थे माता रानी के दर्शन के लिए। आगे चढ़ाई की हमने शुरू कर दी थी। और यहाँ पे मिट्टू को अब जीजू ने ले लिया था, दीदी ने ले रखा था। यहाँ पे मैं मम्मी का हाथ पकड़ के चल रही थी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट माता रानी सब संभाल लेती हैं। माता रानी अपने दर्शन के लिए बुलाती हैं तो वो दर्शन अच्छे से करवाती हैं। तो यहाँ पे हम साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और अभी स्टार्टिंग है यहाँ पे, इसलिए मार्केट्स लगे हुए हैं। आगे जाके ज़्यादा मार्केट्स नहीं होती, बट फूड स्टॉल और पानी तो हर जगह अवेलेबल रहता है। और सबसे पहले हमने चढ़ाई जब हमने बाणगंगा से स्टार्ट करी तो हम यहाँ पे रुके थे गीता मंदिर जो सबसे पहले पड़ता है। तो इस मंदिर में हमने
थोड़ा सा बैठे थे, मतलब जो थोड़ी सी थकान सी हो रही थी तो उसके लिए हम बैठ गए थे। और दर्शन के लिए तो माता रानी के जब हम जाते हैं तो रुकते रुकते ही चलते हैं। और इसके बाद हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी। चढ़ाई चढ़ने के बाद हम सीधे उसके बाद चरण पादुका माता रानी के मंदिर आता है, जो वहाँ पे दर्शन किए चरण पादुका के। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग सुबह के चले हुए थे चाय पी के, तो यहाँ पे हमने फिर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो यहाँ पे हमने छोले और पराठे लिए थे, पराठे और छोले थोड़ा सा मतलब खा के फिर आगे चले थे हम। और यहाँ पे आप हमारा खाना आ चुका है, और ये आप इन पराठों का साइज़ देख रहे हैं। और इन पराठों को सेका भी नहीं गया था, इनको मतलब फ्राई टाइप का गया था, तला था एक तरीके से। और यहाँ पे हम आगे चल दिए थे। अब माता रानी के यात्रा के दौरान जो चलने वाले सॉन्ग्स होते हैं, भजन होते हैं, वो इतने प्यारे लगते हैं, इतने अच्छा लगता है उनको सुन के, कि उनको सुनते सुनते भी कोई आसानी से चढ़ जाए माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैंने तो एक बार आके सर्च किया था उन गानों को, कि उन भजन को, कि वो मेरे को मिल जाए। काका और यहाँ पे हम अर्धकुमारी पहुँच चुके थे। आगे 850 मीटर्स था अर्धकुमारी, लेकिन हम अर्धकुमारी नहीं गए थे, हम सीधे माता रानी के दर्शन के लिए गए थे ऊपर भवन पे। और यहाँ पे ये था नीचे का व्यू, यहाँ से इतना प्यारा सा, ये देखिए इतना सुंदर व्यू, इतना प्यारा सा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे खड़े होकर इस व्यू को देखा, और उसके बाद हम आगे थोड़ा सा, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ठंड थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी, तो हमने यहाँ पे एक गर्म कॉफ़ी पी, सबने गर्म गर्म कॉफ़ी पी थोड़ा सा रुक के। यहाँ पे हमारे साथ जीजू और काका नहीं थे, मिट्ठू और काना के साथ वो लोग आगे चले। और यहाँ से अब भवन का रास्ता 2.75 किलोमीटर्स रह गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वैसे वैसे इतनी खुशी होती है। और यहाँ और यहाँ पे मैं अपना फेवरेट भजन जो चलता है यात्रा के दौरान वो यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि हम माता रानी के भवन बिल्कुल 25 और यहाँ पे हम एंट्री गेट पे आ गए थे माता रानी के भवन से पहले जो चेकिंग पॉइंट होता है यहाँ पे हम रुके थे, ताकि सारे जो आगे पीछे थे एक साथ हो जाएं, उसके बाद हम आगे एंट्री करें, सबके साथ में आगे जाएं। और आगे जाने के बाद अब जो बाहर बाथिंग एरिया होता था उसके अलावा भी एक ही पार्वती भवन करके बना दिया है, जिसके अंदर मेंस का और वुमेंस का अलग से, फीमेल्स मेल्स का अलग से बना रखा है बाथिंग एरिया। तो
तो यहाँ पे हम सारे नहाने धोने के बाद रेडी होने के बाद आगे चल देते माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये रहा हमारी माता रानी का भवन, प्यारा सा। जय माता दी। ये थी लाइंस जो आगे दर्शन के लिए जा रही थी। और आगे हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया था सबने। प्रसाद लेने के बाद हमने माता रानी के दर्शन के लिए अपने फ़ोन्स वगैरह सब कुछ जमा कर दिए थे। और इसके बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए जाते तो लेदर बेल्ट्स, वॉलेट्स और फ़ोन्स वगैरह ये कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो पहले हम सब ने ये सब जमा कर दिया था, अपने बैग्स वगैरह रख दिए थे। और आगे हम सारे अब हम जा रहे थे। भीड़ तो काफ़ी होती है क्योंकि माता रानी के दर्शन के लिए कभी भी जाओगे आप, भीड़ तो रहेगी। और बस ये सजेस्ट करूँगी कि थोड़े से मतलब किसी भी आप सीज़न में जाओ तो ठंडे कपड़े तो लेके ही जाओ अपने साथ, जो इस बार हमने गलती कर दी थी, हम लोग नहीं लेके गए थे। बाकी इस व्लॉग के लिए इतना ही। बाकी भैरव बाबा के दर्शन और रोपवे वगैरह कटरा की मार्केट वो पार्ट टू में डालूँगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस व्लॉग के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और कमेंट्स करो प्यारे प्यारे से। जय माता दी।